आप बता देना ये सिर्फ। आप सबका लर्निंग टेंपल हाई स्कूल के प्रांगण में स्वागत है। और जैसा आपने पूछा अभी, आज की पत्रकार वार्तालाप का जो विषय है उसमें आपसे साझा करना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, जब वो 10th क्लास में आते हैं उसके बाद उनको किस फील्ड में जाना है इस बारे में वो बहुत उनको कन्फ्यूजन भी रहता है। और बहुत सारे पेरेंट्स डिस्कशन भी करते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैंने 11th में सब्जेक्ट चूज़ करने थे तो मेरे माता पिता ने जाने कितने जो एक्सपर्ट से बात की थी और क्या फील्ड रहेगी आगे। तो वो एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फेज़ ऑफ लाइफ होता है स्टूडेंट का, जब वो एक सब्जेक्ट्स को चूज़ करता है, अपनी फील्ड को सेटल करता है। तो यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे ने सब्जेक्ट्स ले लिए, बच्चे ने अपना अगला फील्ड चूज़ कर लिया, जो भी प्रोफेशनल करियर में जाना है उसने, अपने दोस्तों मित्रों के इन्फ्लुएंस में आकर। मेरा फ्रेंड जा रहा है जी बैंगलोर में ये वाला डिप्लोमा करने, ये वाली डिग्री करने, तो मुझे भी वहाँ जाना है। या उसके अलावा पेरेंट्स का एक प्रेशर भी रहता है जिसमें पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने या जिस फील्ड में जाए, वो पेरेंट्स को भी एक बैकएंड से सोच होती है। और उसी तरह से और कई इन्फ्लुएंसेस होते हैं, कई बार टीचर्स के गाइडलाइंस होती हैं। लेकिन एग्जैक्टली बच्चे का इनहेरेंट नेचुरल टैलेंट क्या है, उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप सबसे शेयर करना चाहूँगा कि अगर हम उसको इस टर्म को जिसकी बारे में आज आपके साथ ये बात साझी की जा रही है, दैट इज़ DMIT, दैट इज़ ड्रामेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट जो है DMIT, अगर इसको हम गूगल करें तो ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके ज़रिए अगर बच्चा इस टेस्ट के थ्रू, जो इनके एक्सपर्ट्स हैं वो ये टेस्ट साइंटिफिक प्रूवन टेस्ट के ज़रिए इनके फिंगरप्रिंट्स बच्चों के ऑल 10 फिंगर्स प्रिंट्स लेकर, और उसमें वो सारी रिपोर्ट एक जनरेट की जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, और वो उस रिपोर्ट के मुताबिक उसमें बता दिया जाता है कि बच्चे का बिहेवियर क्या है, इसके साथ साथ आने वाले समय में बच्चे का किस फील्ड में उसे जाना चाहिए जिससे उसे सक्सेस मिले, एक्स्ट्रा कोच की ज़रूरत है या वो सेल्फ लर्नर है, वो खुद से स्टडी करने वाला है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें पेरेंटिंग का। हम जानते हैं कि पेरेंटिंग इट्स नॉट लाइक कोई बायोलॉजिकल ये फिनोमेना नहीं है। पेरेंटिंग एक बहुत एक सेंसिटिव हम कहेंगे कि ये पार्ट है। पेरेंट्स को किस तरह से अपने बच्चों को डील करना है और बच्चों के साथ किस तरह वो रिलेशन को डेवलप करना है ताकि बच्चे की पूरी प्रोग्रेस हो, तो उसमें पेरेंटिंग का जो रिलेशनशिप है, बच्चे का पेरेंट और बच्चों का रिलेशनशिप, उसके बेस सारी रिपोर्ट्स और बहुत कुछ डिटेल में। तो आज मेरे साथ यहाँ मेरे बिल्कुल बाईं ओर बैठे हैं आदरणीय KK भारद्वाज जी। ये जम्मू में एक ब्रेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट चलाते हैं त्रिकुटा नगर में, और ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन चीज़ों को आगे प्रमोट कर रहे हैं। जम्मू में डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। जब ये मेरे से मिले और इन्होंने जम्मू और ऑनवर्ड्स डिस्ट्रिक्ट डोडा और सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये सब चीज़ें जो हैं इन टेस्ट के बारे में बच्चों को अवेयर किया, पेरेंट्स को अवेयर किया, और बहुत सारे टेस्ट हुए। ये वन टाइम टेस्ट होता है बच्चे का, और मुझे ये कॉन्सेप्ट जब इन्होंने बताया तो हमें ये बहुत अपीलिंग कॉन्सेप्ट लगा कि बच्चों को बहुत एडवांस अर्ली स्टेज पर पता चल जाएगा कि मुझे करना क्या है, मेरे लिए सही क्या, गलत क्या है। कई बार ऐसा होता है कि बाद में हम सोचते हैं कि यार उस समय मैंने ये गलत डिसीजन ले लिया, ये वाले सब्जेक्ट चूज़ कर लिए, ये वाली फील्ड चूज़ कर ली, और आज मुझे जो है वो उसमें मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा उस अपने प्रोफेशन को, मैं उसमें अपने आप को फिट नहीं बैठ पा रहा। तो उस कॉन्टेक्स्ट इनके साथ ही रंजीत कुमार जी हैं हमारे मेरे बिल्कुल बगल में, और कुलदीप राज जी आगे बैठे हैं, ये रिटायर्ड लेक्चरर हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो ये सारा डिटेल अभी हमें बताएंगे कि बेसिकली DMIT जो है वो है क्या, इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं, और विशेष तौर पर किन बच्चों के लिए ये बेस्ट टेस्ट है, एंड दिस इज़ अ वन टाइम एक्सरसाइज। इनको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जो बच्चे टेस्ट करवाना ये चाहते हैं उसके लिए इनको एक प्लेटफॉर्म यहाँ दिया गया है, और यहाँ पर संडे ये अपना ऑफिस ओपन करेंगे, और यहाँ पर संडे राइट मॉर्निंग फ्रॉम 11 AM टू 5 PM ये इनके एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे रहेंगे। जो कोई भी बच्चा ऐसा जो है जो टेस्ट करवा कर, कोई भी पेरेंट है, मैं पहले कहूँगा कि आप इसके बारे में खुद जानकारी लें,
गूगल करें, आजकल ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिसके बारे में हम जान नहीं सकते, बिकॉज गूगल बाबा इज देयर, तो उसके थ्रू हम सारी जानकारी लेकर इसका पूरा फायदा ले सकते हैं। और इस समय मैं सीधे गुजारिश करूंगा कुलदीप शर्मा जी से। नरेश जी, जिन्होंने हमें यहाँ स्पेस दिया, और इसका सबसे ज़्यादा श्रेय जो जाता है डिस्ट्रिक्ट कठुआ में इनको ही जाता है कि इस वक्त जो 10th और 12th के बच्चे जिन्होंने अपने एग्ज़ाम दे दिए हुए हैं, और अभी भी बच्चों को अगर पूछोगे बेटा डिसाइड किया कुछ, दूँ कि WHO की एक रिसर्च हुई थी कि 12,000 से ज़्यादा बच्चे जो है एक साल में सुसाइड करते हैं इंडिया में, और ड्यू टू रॉन्ग कैरियर ऑप्शन चूज़ करने की वजह से, एक गलत सब्जेक्ट उठाने की वजह से 12,000 से ज़्यादा बच्चे सुसाइड करते हैं, क्योंकि उनको बाद में लगता है कि मैं कामयाब नहीं हुआ। तो इस चीज़ को हम रोक सकते हैं, एक साइंटिफिक तरीका है, वो क्या कि हमारे जो ये 10 फिंगरप्रिंट्स हैं, इसको हम डर्मेटोग्लाफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट बोलते हैं, जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जैसे हमारे ये थंब है, इसके साथ हमारा जो ये माथा है, माथे के साथ ही हमारे यहाँ पे एक प्रीफ्रंटल लोब जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एबिलिटी उस बच्चे में पाई जाती है जिस बच्चे के न्यूरॉन्स ज़्यादा हों। ये डॉक्टर रीता लिवियस मोल्टेंसिनी एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ न्यूरॉन ग्रोथ फैक्टर्स, कि जिस ब्रेन के कंपार्टमेंट में ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं वो काम बच्चे को ज़्यादा आसान लगता है, और जिस कंपार्टमेंट में थोड़े कम न्यूरॉन्स हैं वो काम बच्चे को थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना। सेकंड जो हमारा लोब आता है फ्रंटल लोब, वो यहाँ पे होता है, आपने देखा होगा कई सारे माता पिता ध्यान देते हैं कि यहाँ पे लगनी नहीं चाहिए, तो ये जो लोब है ये काम करता है हमारी रीडिंग पे, हमारी राइटिंग पे, हमारे साइंस, हमारा मैथ। तो इसमें जो अगर न्यूरॉन्स कम हैं तो मैथ वीक होगा, अगर न्यूरॉन्स मीडियम है तो एवरेज में होगा, और ज़्यादा हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं तो बच्चे का मैथ स्किल ज़्यादा होगा, लॉजिक्स बच्चे के अच्छे होंगे। उसके बाद टेम्परल लोब आता है, उसके बाद प्रीफ्रंटल लोब आता है, तो ये अलग अलग 5 ब्रेन लोब्स होते हैं, वो हमारी थंब के साथ, फिर इस तरफ इंडेक्स फिंगर, इन अलग अलग फिंगर के साथ कनेक्ट हैं। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे लॉजिक हमारे ब्रेन में है, लॉजिक्स में, उसके बाद में लैंग्वेज कैसी है बच्चे की, लैंग्वेज एंड लिसनिंग एबिलिटीज में अच्छा कैसा है, तो वो अगर लोप अच्छा है तो इससे पता चलता है कि बच्चे को स्पोकन इंग्लिश सिखाना चाहिए। हम बच्चे को स्कूल इंस्टीट्यूशन भेज देते हैं, हम कहते हैं वो वाला बच्चा सीख रहा है, तुम क्यों नहीं सीख रहे हो, तो कई बार रिजल्ट नहीं आते, टीचर तो सेम पढ़ाता है। और इसके साथ एक चीज़ और पता चलती है, अगर बच्चा 2 साल से ऊपर है तो उसको पेरेंटिंग कैसे करनी है, क्योंकि हमारे इसी के अंदर पता चलता है कि बच्चे के 4 स्वभाव कैटेगरीज अलग अलग हैं स्वभाव की, जैसे ईगल, आउल, पिकॉक, डव, एक साइंटिस्ट ने ये कैटेगरीज के नाम दिए हैं। आपने कुछ देखे होंगे, कुछ पर्सनैलिटी डोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी इन्फ्लुएंशियल होती है, अपनी तारीफ सुनना पसंद करती हैं, कुछ पर्सनैलिटी, कुछ बच्चे सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं डव होते हैं वो ईजी गोइंग होते हैं, रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं, उनके दूसरों के साथ रहना उनको अच्छा लगता है। इसी टेस्ट के अंदर हमें पता चलता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंसीज होती हैं, जो डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसीज, कि बच्चा कौन सा लैंग्वेज में अच्छा है, लिसनिंग में कौन सा अच्छा है, म्यूज़िक में कौन सा अच्छा है, नेचुरल बच्चा कौन सा अच्छा है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँगा, क्योंकि ये इसके बारे में जानना हो तो सही कहा सर ने कि आप गूगल कर लीजिए, और गूगल पे आप बिल्कुल जान सकते हैं कि ये थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसीज क्या है, हमारी पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट क्या है, पर्सनैलिटी 4 टाइप पर्सनैलिटीज़ क्या है। तो ये अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरी देके आज हमारे सामने एक कंप्लीट टेस्ट है, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको मैंने जैसे अलग से चीज़ें बताई, फिर मैं आपको फिंगरप्रिंट्स भी एक बार दिखाऊंगा। एक उसको स्ट्रेंथ जो रहती है 10% से ऊपर रहती है, 10% से ऊपर, उसके बाद एवरेज 8 से 10% के बीच में रहती है, और वीकनेस जो रहती है 8 से नीचे जो इतने में न्यूरॉन्स आ जाते हैं परसेंटेज में, वो वीकनेस रहती है। उसके बाद लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, तो इसका मतलब प्री फ्रंटल लोब बच्चे का ज़्यादा काम करता है। लेकिन साथ ही अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस बच्चे का लॉजिकली ब्रेन भी अच्छा काम करता है, लेकिन ये अगर हम फोटोग्राफिक कहें कि इमेजिनेशन में, ये जो ब्रेन था एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उनका ये ब्रेन ज़्यादा काम करता था, ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचते थे। उसके बाद लैंग्वेज यहाँ बच्चे की कैसी है, फाइन मोटर स्किल अच्छा है तो कंप्यूटर सिखाइए, छोटे छोटे काम सिखाइए, ग्रास मोटर स्किल अच्छा है तो अपने बच्चे को दौड़ाइए, उसको आप मैराथन तक में दौड़ा सकते हैं। इसके बाद लैंग्वेज अच्छी है, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट के अंदर आती हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो बच्चे का यहाँ पे पता चलेगा लेफ़्ट ब्रेन अच्छा है या राइट ब्रेन अच्छा है, कौन सा ज़्यादा ब्रेन वर्क कर रहा है। थोड़ा यहाँ पे जो मैं आपको कह रहा था कि ये प्रीफ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब, ये सारा इसी के अंदर आता है।
इसके बाद हमें पता चलता है कि बच्चे का IQ अच्छा है, EQ अच्छा है, AQ अच्छा है या CQ अच्छा है। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, कई बार बच्चा इंटेलिजेंट बहुत होता है लेकिन उसकी एडवर्सिटी क्वेश्चन जो है वो वीक होता है, कि कैसे हालात में कौन से डिसीजन लेने हैं, लेने चाहिए। तो ऐसे बच्चा अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पे पहुंच भी जाता है तो आपने कई बार देखा होगा हाईएस्ट पोस्ट पे जाकर भी लोग सुसाइड करते हैं, सब कुछ पाने के बाद भी सुसाइड होता है कि पता नहीं चलता, मंडोल हो जाते हैं, यहाँ पे क्या करना है, गलतियाँ हो जाती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में बच्चा पहले अवेयर हो जाता है। उसके बाद में हमें सेल्फ कॉग्निटिव अगर बच्चा हो तो हमें ट्यूशन नहीं पढ़ानी चाहिए, उस बच्चे को खुद से पढ़ना अच्छा लगता है। उसके बाद इफेक्टिव बच्चा है तो ग्रुप ट्यूशंस चाहिए बच्चे को, बच्चे को ट्यूशंस डालना ही डालना है। अगर वो बच्चा रिफ्लेक्टिव है तो 1-to-1 पढ़ाना है, उसको 1-to-1 समझ में आता है, उसको ग्रुप में समझ नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें क्लियर होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो मैंने आपको कहा पर्सनैलिटी 4 टाइप की होती है, तो ये हमारी ईगल पर्सनैलिटी है, पिकॉक है, आउल है, डव है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, पहले ही हम अपने बच्चे के बारे में ये जान सकते हैं। उसके बाद हमारा माई लर्निंग स्टाइल, कुछ बच्चे आपने देखा होगा प्रैक्टिकल, जब तक उसको विजुअलाइज करके ना दिखाया जाए तब तक समझ नहीं आता है। फिर उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब तक वो सुनते हैं फिर उनको याद रहता है, उसके बाद में कुछ बच्चे होते हैं कि उनको लिख कर 2-3 बार लिख लेते हैं फिर याद होता है, और वो पता चलता है हमें जब बच्चा 12th में होता है। तो इतना स्ट्रेस जो है बच्चा बचपन से झेल रहा होता है। ये थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसीज, जिस बच्चे की ये परसेंटेज ज़्यादा आती है तो बच्चे को उसी तरफ गाइड किया जाता है। और सबसे ज़्यादा मैं ज़रूरी जो कहूँगा यहाँ पे वो है 10th और 12th के लिए, क्या कि यहाँ पे सब्जेक्ट आपको क्लियर होता चलता है कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी बच्चे को क्या करनी चाहिए। यहाँ पे सीधा सीधा कह रहे हैं कि बच्चे को चेस खेलना चाहिए और फॉरेन लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, ताकि अपने पढ़ाई के साथ साथ किसी एक स्किल को गेन करे और लाइफ में कामयाब होने के लिए, ये ज़रूरी है। दूसरा हमें पता चलता है कि जिसमें 5 स्टार होते हैं वो रेटिंग के हिसाब से बच्चे को उस कैरियर में जाना चाहिए, तो 4 स्टार हो जाए, 1 या 2 स्टार पे नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा मेहनत लगती है। तो ये एक रेटिंग के हिसाब से बच्चे के सामने काफ़ी सारे सब्जेक्ट निकल के आते हैं, 250+ कैरियर ऑप्शन होते हैं लेकिन बच्चों को पता नहीं होता। तो इस चीज़ के बारे में जो है आपसे हमने रिक्वेस्ट करी कि ये जो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके अड़ोस पड़ोस में जो 10th या 12th में कोई बच्चा हो तो उसको ज़रूर टैग करें और उसको ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। ये तो मैं पब्लिक के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पब्लिक अपने जो आस पड़ोस जो है राइट ऑप्शन राइट कैरियर टेस्ट हम कर चुके हैं। अगर एक हमारे SSP साहब हैं अब्दुल कयूम साहब, उनके बच्चों का जब टेस्ट हुआ तो उन्होंने अपना कैरियर चेंज करके दूसरी तरफ आ गए, बड़े खुश हो गए। तो ऐसे उनका हुआ है किड्जी एक स्कूल डोडा में है, उनकी बेटी ने नीट क्वालिफाई किया था, देन टेस्ट में आया था कि उसको आर्ट्स लेना चाहिए, उसको नीट की तरफ नहीं मेडिकल की तरफ नहीं जाना चाहिए, तो वो जम्मू यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट रही है आफ्टर टेस्ट। तो ये टेस्ट किया जाता है कि बच्चे के लेफ्ट थंब से फिंगरप्रिंट्स लेना शुरू की जाती हैं। दिस इज द वे हाउ टू कंडक्ट द टेस्ट एक्चुअली। ये पूरे फिंगरप्रिंट्स लेने होते हैं, लेफ्ट थंब से शुरू किया जाता है और ये जो स्कैनर है इस पर हमारी फिंगर रखी जाती हैं, तो धीरे धीरे करके जो है हर एक फिंगरप्रिंट्स को स्कैन किया जाता है। स्कैन करने के बाद इनको मेल किया जाता है, गुजरात में इसको मेल किया जाता है। कई बार कुछ टेस्ट थोड़े टफ होते हैं। पहले मैंने अपने बच्चों के और खुद का और अपनी वाइफ का टेस्ट करवाया, ये DMIT टेस्ट है, आई हैव द रिपोर्ट्स। उसके बाद मैंने अपनी मेरी बेटी अभी राइट नाउ शी इज इन 10th क्लास, सो आई हैव डिसाइडेड दैट शी विल गो विद फॉरेन लैंग्वेजेस, वहाँ से मुझे पता चला। नाउ 11th में आई एम वेरी क्लियर दैट उसको IB में जाना है, IB के थ्रू उसने अपनी अगली स्टडीज़ करनी है और वो लैंग्वेजेस में शी इज़ वेरी गुड, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको उधर। प्रीवियसली आई वॉज इन अ व्यू कि मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा एज ए पेरेंट, बट नाउ इट इज क्लियर टू मी दैट डॉक्टर का प्रोफेशन इज नॉट फिट फॉर हर एज पर द रिपोर्ट गिवन बाय DMIT। तो उसमें अब वो बच्ची आगे फर्दर फॉरेन लैंग्वेजेस की तरफ जाएगी एज वेल एज अपने जो लैंग्वेजेस और हैं उसकी जो उसकी राइटिंग कैपेसिटी है, वो लिखती है बच्ची अच्छी, उसी फील्ड में आगे जाएगी। और आई थिंक जैसे सजेस्ट हुआ कि वो बच्ची एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी एज कम्पेयर टू उसको मैं डॉक्टर बना देता। तो आई थिंक आई एम रियली रियली थैंकफुल टू दिस टेस्ट, ये टेक्नोलॉजी है। जैसे हम जन्मपत्री बनाते हैं बच्चे की, उसमें पंडित जी हमें बताते हैं, बहुत एक उसको बोलेंगे कि वो स्पिरिचुअली और चीज़ों को देखकर वो एक पत्री बनाई जाती है, और ये भी एक ऐसी ही साइंटिफिक जन्मपत्री है जिससे हम बच्चों का करियर जो है आगे किस फील्ड में बच्चों को जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, बड़ी क्लियर पिक्चर इसमें आती है। इट्स दिस रिपोर्ट इज ऑफ अराउंड 28 पेजेस एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड इज गिवन इन दिस रिपोर्ट, वेयर
कहाँ जाना है बच्चे ने, क्या करना है। सर इसके इस चीज़ के लिए कोई एज है? फ्रॉम द एज ऑफ 2 years टू 6 years एंड 7 to 12 years देन 13 to 16 years एंड देन 16+। इवन आई सजेस्ट कि आप लोग भी अगर अपना टेस्ट करवाते हैं इसमें, और उसमें ये 15 मिनट का यहाँ पे एक्सरसाइज होगी, उसके बाद तीसरे दिन इनकी रिपोर्ट आती है, 1 hour की काउंसलिंग होती है, और बहुत सारी चीज़ें मुझे अपने बारे में, अपने इनहेरेंट टेस्ट और सॉरी एबिलिटीज़ और प्लस जो मेरा फील्ड था वो मुझे मैच करता दिखा इस रिपोर्ट में, इसलिए मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने हूँ। मेरे बच्चों का टेस्ट हुआ है, तो आई मस्ट सजेस्ट टू ऑल द पेरेंट जो बहुत कॉन्शियस हैं बच्चों के करियर को लेकर, वेल एंड टाइम दे मस्ट नो कि मेरा बच्चा किस फील्ड में जाएगा, किस फील्ड में वो अच्छा है। दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर दोस चिल्ड्रन। हाई स्कूल में संडे हमारी अबैकस क्लासेस भी चलती है यहाँ पे, यूसी मास अबैकस के साथ हमारा टाई अप है, हमारे बहुत सारे बच्चे डिफरेंट स्कूल से यहाँ आते हैं, अबैकस सीखते हैं। उसी के साथ एक ऑफिस इनको दिया गया है, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव एक्सपर्ट्स हैं DMIT के, वो यहाँ होंगे 11 बजे से लेकर 5 बजे तक। एक कंसल्टेंसी जो है पूरी यहाँ पर होगी, और तीसरे दिन उनकी रिपोर्ट आएगी, लेकिन वो रिपोर्ट डिस्कशन काउंसलिंग सेशन भी अगले संडे को, मतलब आज आपने टेस्ट करवाया बच्चे का, अगले संडे को काउंसलिंग सेशन रहेगा। और अभी बताना चाहूँगा, अभी पीछे जम्मू संस्कृति स्कूल में इनका सेमिनार हो चुका है, इन्होंने वहाँ के बच्चों के साथ 10th, 11th, 12th के बच्चों के साथ रिस्पेक्टेड मैडम मिली सुमरिया, उन्होंने इनको बुलाकर वो सारा काउंसलिंग करवाई है बच्चों की। ऐसे ही डिफरेंट स्कूल्स के सभी ओनर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो गाइड करें पेरेंट्स। इट्स नॉट कंपलसरी फॉर एनीवन, इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल, बट मैं चाहूंगा कि इसको हर पेरेंट करवाए वेल एंड टाइम, ताकि पता लगे हमारा बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है। थैंक यू वेरी मच।